दंड तो मिलना ही चाहिए। चोरी, वो भी इस छोटी सी आयु में, विश्वास नहीं होता। मैं अपनी आंखों के सामने कान्हा को कक्ष में बंद कर दूंगी और आप सबके समक्ष द्वार बाहर से बंद करूंगी। फिर कान्हा कहीं नहीं जाएगा। फिर तो नहीं होगी ना आपके घर माखन की चोरी। अब मेरा कान्हा कहीं नहीं जाएगा, ना आपके घर ना किसी और के। अब आप सब जाइए। और बच्चों तुम भी। बच्चों तुम खड़े क्यों हो? जाओ अपने अपने घर। नहीं, हम कान्हा को छोड़ के नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे? नहीं। तो ठीक है, करो उठक बैठक, करो। यशोदा, इतना अत्यधिक क्रोध, वो भी इतने छोटे बच्चों पर। क्रोध नहीं जीजी, प्रेम, मेरा अपने कान्हा के प्रति प्रेम। मुझे भय है जीजी, कहीं ये सब मिलकर मेरे कान्हा को बिगाड़ ना दे। फिर तो समस्त गोकुल मेरे कान्हा को ही भला बुरा कहेगा ना। इसलिए मैंने कान्हा से उठक बैठक करवाई ताकि उसे सबक मिले, ताकि वो फिर कभी ऐसा कुछ ना करे। जीजी, मेरे लल्ला के नन्हे पांव दुख रहे होंगे ना, अब मैं भी वही करूंगी। क्या है यशोदा? बार मैंने कान्हा से करवाया है, उसका 10 गुना मैं करूंगी। नहीं मैया, आप ऐसा कदापि मत कीजिए। उठक बैठक मेरा कान्हा कर रहा था, पीड़ा मेरे हृदय को हो रही थी। मुझे क्षमा कर दे लल्ला, अपनी मैया को क्षमा कर दे। क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी है मैया, क्योंकि आपकी इस पीड़ा का कारण मैं हूँ। किंतु जब आप संपूर्ण सत्य जान जाएंगी तो सबसे आनंदित आप ही होंगी मेरी प्यारी मैया। यशोदा मैया ने कान्हा को इतने समय तक कैसे बंद करके रखा है? कान्हा ने आज माखन भी नहीं खाया, हमें कुछ करना होगा। उस कक्ष से कान्हा को बाहर निकालने के चक्कर में कहीं हम भी कान्हा समेत उस कक्ष में बंद ना हो जाए। तो चलो हमारी टोली से मिलते हैं और उपाय ढूंढते हैं। दाऊ, परंतु हमें तो यशोदा मैया और रोहिणी मैया ने घर से बाहर जाने से मना किया है ना दाऊ। समस्या मत बताओ, उपाय बताओ। उपाय नहीं सूझ रहा, यही तो समस्या है दाऊ। पता नहीं हमारी बाकी की टोली भी क्या कर रही होगी। यूं दुखी होकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा,
हमें कुछ करना होगा कान्हा। दाऊ, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं दुखी हूँ आपसे। दुखी तो मैं भी हूँ कान्हा। दाऊ, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, पेट जोर जोर से ध्वनि कर रहा है कि मैं रिक्त हूँ, मुझे भरो। क्षमा कर दो कान्हा, उपाय नहीं सूझ रहा। इस समस्या का उपाय है, यदि आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकते तो बाहर से माखन चुराओ। हमने साथ में चुराने की शपथ ली थी कान्हा, अब तो टोले भी नहीं। समस्या मत बताओ दाऊ, उपाय बताओ। उपाय ही तो ढूंढ रहे हैं। माना कि बाहर से माखन चुरा कर नहीं ला सकते हो, परंतु घर से तो माखन चुरा कर मुझे यहाँ दे तो सकते हो ना दाऊ। कान्हा, अब चोरी का विचार करने का समय नहीं है। मैया तुम्हें कक्ष से बाहर कैसे निकालेंगी, इस विषय में सोचने का समय है। कुछ नहीं होगा दाऊ, मैया तो स्वयं मुझसे क्षमा मांगने वाली है, देख लेना। क्या? हाँ दाऊ। ये क्या कह रहे हो कान्हा? जो होने वाला है वही कह रहा हूँ दाऊ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी समझने का नहीं, पेट भरने का समय है दाऊ। आप मुझे घर के अंदर से चोरी करके खिलाओ तो सही, बाद में सब बताता हूँ। कान्हा, ये तो संभव ही नहीं है, मैंने देखा है कि मैया कितनी क्रोधित है। दाऊ चिंता ना करो, जैसे ही आप मुझे माखन खिलाओगे वैसे ही सब ठीक हो जाएगा, मैं वचन देता हूँ। ऐसे क्या योजना है कान्हा के पास? नहीं नहीं, मुझे फिर से फंसाएगा कान्हा, मुझे नहीं आना इसकी बातों में। दाऊ, आपसे ऐसी आशा कभी नहीं थी दाऊ, अपने छोटे भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकते आप। बुरी परिस्थिति में भी लाभ उठाना तो कोई कान्हा से सीखे। ठीक है, हम तुम्हारे लिए माखन का प्रबंध करते हैं। ये हुई ना मेरे दाऊ वाली बात। मधुमंगल, हमें घर से थोड़ा माखन चोरी करके कान्हा को देना होगा। परंतु कैसे दाऊ? आओ मेरे साथ, आओ शीघ्र आओ ना। आप केवल मेरे लिए माखन ही नहीं चुराने वाले हो दाऊ, मेरी अगली योजना क्या होने वाली है ये भी जानने वाले हो। अब टोली के बाकी सदस्यों की बारी। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि कान्हा इसी कक्ष में बंद है? हाँ, परंतु हम इस खिड़की तक पहुँचेंगे कैसे? इतना भी नहीं क्या? नहीं, कान्हा ने हमें जैसे माखन तक पहुँचाना सिखाया है वैसे ही हम कान्हा तक पहुँचेंगे। परंतु कैसे? तुम दोनों यहाँ झुककर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़ के खिड़की तक पहुँच के कान्हा से बात करने का प्रयास करती हूँ। ठीक है। मुझे यहाँ से निकाल ही लेगी। तुम्हें यहाँ से निकालना केवल कठिन ही नहीं असंभव है कान्हा। आप पर क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं तुम्हारे लिए? अपनी मन की बात इशारों में समझाता हूँ वृंदा को। अब लगता है तुम्हें भूख लगी है। लगता नहीं, बहुत भूख लगी है। मैंने प्रातः से कुछ भी नहीं खाया। तुम्हारे भाव बता रहे हैं कि तुम्हारा माखन खाने का मन कर रहा है ना? हाँ हाँ वृंदा,
बहुत मन कर रहा है माखन खाने का। ठीक है काना, तुम्हें माखन अवश्य मिलेगा, चिंता मत करो। तुम्हारी मैया ने नहीं खिलाया है तो तुम्हारे दाऊ है ना, दाऊ अवश्य खिलाएंगे। दाऊ कहाँ मेरी बात सुनते हैं, मेरे लिए कोई कुछ भी नहीं कर रहा। तुम्हारे भाव बता रहे हैं कि तुम दाऊ से क्रोधित हो। हाँ बहुत क्रोधित हूँ दाऊ से। हाँ वो है इस लायक, बड़ा मुखिया बना फिरता है। हाँ मुखिया होते हुए भी मैया के डर से मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। मुखिया सहायता नहीं किया तो क्या हुआ, हम है ना तुम्हारे मित्र, हम तुम्हें माखन खिलाएंगे, चिंता मत करो, हम अभी माखन लेकर आते हैं। परंतु तुम्हारे बिना माखन चोरी नहीं करेंगे, तुम्हारे बिना माखन चुराने का वो आनंद नहीं आएगा। अब अरे जाओ घर से लाओ। हाँ हम अपने घर से माखन लाएंगे तुम्हारे लिए। हाँ रिंदा अब समझी मेरे मन की बात।